नमस्कार, मैं आपके होस्ट ओल्डी गोल्डी सिंपल कुकिंग के इस भाग में आपको आज मूंग के पकोड़े दिखाना चाहती हूँ। ये मूंग के पकोड़े हमारे महाराष्ट्रीयन तरीके से मैं बना रही हूँ, तो आप एक बार देखिए, मेरे जैसा करके देखिए। आप तो अच्छे ही बनाते होंगे आपके स्टाइल्स के, मेरे स्टाइल के पकोड़े बना के देखिए। तो उसके लिए क्या क्या लगता है वो हम अभी मूंग पकोड़े के लिए ये दाल मैंने भिगाई थी और छन्नी पे निकाल कर रखी है। अभी मैं इसको पीस लूँगी। और अब मूंग के पकोड़े के लिए हमें लगती है चटनी, तो हरी चटनी मैं बनाऊँगी। तो ये मैंने कच्ची कैरी काट ली है, ये मिर्ची, और ये देखिए ये पुदीना, और ये हरा धनिया। साथ साथ मैंने लहसुन की कलियां भी ली है, और ये तिल्ली मूंग के पकोड़े में डालने के लिए, और ये प्याज मूंग के पकोड़े में डालने के लिए। तो पहले मैं ये मूंग की दाल पीस कर लाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। मूंग की दाल पीसते समय मैं उसमें ये रेड चिली फ्लेक्स डालने वाली हूँ और लहसुन की 3 कलियां डालने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको पीस कर बताती हूँ। मैंने दाल इस मोटे मोटे तरीके से, कुछ आधी एकदम बारीक और आधी एकदम मोटी, इस तरीके से पीस ली। अब हम इस दाल में ये प्याज डालेंगे और हम थोड़ा सा हरा धनिया भी इस दाल में डाल रहे हैं। थोड़ा हरा धनिया मैं चटनी के लिए रख रही हूँ। अब मैं ये इसको अलग रखती हूँ और अभी आपको बताती हूँ। चटनी के लिए मैंने ये जो कैरी ली थी, ये कैरी मैंने इसमें डाली, और इसमें मैंने ये आधी कटोरी पुदीना है वो भी डाल दिया। ये फ्रेश है तो ये पुदीना भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी ये हरा धनिया बचा था थोड़ा सा, तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें हम 2-3 लहसुन की कलियां डाल देंगे, और ये जो हरी मिर्ची है इसमें से मैं आधी हरी मिर्ची इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें हमें 1 चम्मच शक्कर इसमें डालना है। फिर मैं डालूंगी साधा नमक। मेरा चमचा छोटा है और चटनी भी कम है, तो मैं उस हिसाब से इसमें ये नमक डाल रही हूँ। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा काला नमक, ये आधी चमची काला नमक मैंने डाला है, ये इसमें मैं डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं डालूंगी भुने हुए धनिए की पाउडर। ये देखिए, ये मेरे पास भुने हुए धनिए की पाउडर है, तो ये मैं 1 चम्मच में भुना जीरे की पाउडर इसमें डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें बराबर से घी के पानी डालूंगी। अब मैं उसका भी रीजन बताती हूँ। ये जो पोहे खाने का चम्मच है, इससे 1, 2, 3, 4 और ये 5 चम्मच पानी मैंने डाला। अब मैं आपको बताती हूँ, कैरी गीली है, कैरी में शक्कर और काला नमक से पानी छूटता है, तो इस चटनी में बहुत ज़्यादा पानी डालोगे तो चटनी अलग अलग हो जाएगी। तो ये इतना ही मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चटनी एकदम आराम से पीस गई है। धीरे धीरे इसे अपने आप पानी छूटेगा, क्योंकि शक्कर और नमक इसमें एक साथ आ गया है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, एकदम जैसी चाहिए उतनी, ज़्यादा गीली चटनी नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये देखिए धीरे धीरे ये ढीली होती जाएगी। अब ये चटनी बन गई। अब ये जो मेरा मटेरियल है, बैटर है, इसको मैं फेंट कर आपको बताती हूँ। अब मैंने इस बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें तिल्ली डालूँगी। तिल्ली डालने के बाद अब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक मैंने, मेरा छोटा चम्मच है उस हिसाब से मैंने
नमक डाला है बैटर के हिसाब से। अब मैं थोड़ा सा शुगर इसमें डालूंगी, वो इसलिए कि ये मेरा जो बैटर है ये गीला नहीं है और ये मिलकर आ जाना चाहिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा हिंग डालती हूँ। वैसे तो मूंग के दाल पकौड़े से गैस नहीं बनती, लेकिन हिंग मैं अभी टेस्ट के लिए इसमें मैं थोड़ा सा हिंग डालूंगी। मेरा ये काम हो गया है। अब मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है और मैं अब इस बैटर को अच्छे से मिला लेती हूँ। अब नमक डालने के कारण इसको अभी पानी छूट रहा है। तो अब देखिए ये जो बैटर है, इस बैटर का हम हाथ पर ही गोला बना सकते हैं और तेल में ये छूटेगा भी नहीं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसी गोल गोल पकौड़ी हमारी निकलती है। अब मैं तेल में इसे डालूंगी तेल गर्म होने के बाद, और फिर आप उसे देखना। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ये ऐसी पकौड़ी डालेंगे। पहले गरम गरम तेल में डालना और बाद में थोड़ा सा गैस सीम कर देना, नहीं तो वो ऊपर से कुरकुरे हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो अंदर से पकने के लिए हमें उसको थोड़ा सा सीम करेंगे तो धीरे धीरे वो पकेंगे, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। लेकिन प्याज और नमक से और सांभर थोड़ा सा ढीला ढीला उसको कर देता है। तो अभी ये तेल गर्म हो जाएगा तो मैं आपको उसमें डाल के दिखाती हूँ। बाद में पूरे तल के जैसे हो गए पकोड़े वैसे मैं आपको दिखाऊंगी। तेल ज़्यादा खराब नहीं होता, हाँ तिल्ली वगैरह हमारी जो छूटती है थोड़ी थोड़ी, उससे थोड़ा तेल में तिल्ली आ जाती है, बाकी कुछ इसमें निकलता नहीं। तो अगर तेल गर्म हुआ है क्या वो मैं देख लेती हूँ। नहीं, तेल गरम होने का है, अभी काफी गरम होने का है। अब वो गरम हो जाएगा तो मैं इसमें अच्छे से ये पकोड़े छोड़ूंगी। ये थोड़े से फूलते हैं, ज्यादा फूलते नहीं। हमें इसमें सोडा वगैरह नहीं डालना है, नहीं तो वो बहुत तेल पी लेगा। और मैं कभी नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अभी तक तो मैं ऐसे ही बनाते आई हूँ। इसमें हल्दी नहीं डालते, हल्दी डालने से थोड़े काले निकलते हैं, हमें थोड़े से लाल ऐसे चाहिए। तो अभी हम वेट करेंगे, हो जाएगा ये। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं तेल में ये पकौड़ा छोड़ दी। ये फूटेगा नहीं, अपने आप ही हो जाएगा, आराम से तैर कर ऊपर आ जाएगा। अब मैं इस तेल में पकौड़े डाल देती हूँ। वो धीरे धीरे चार पांच पकौड़े डालने के बाद मैं वो तेल का कढ़ाई के नीचे जो तेल है उसको मैं थोड़ा सा कम करूंगी, क्योंकि नहीं तो ये सब पहले ही हो जाएंगे, बाहर से हो जाएंगे और अंदर से होगे ही नहीं, वो अपने आप हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वो फूटते नहीं। जैसे जैसे हम एक ताज़ा पकौड़ा डालेंगे तो वो तेल थोड़ा थोड़ा ठंडा होता है, इसीलिए आप पहले बैच में जितने आप डाल सकते हो डाल लो और फिर थोड़ा गैस सिम करके उसका वेट करना। तो अब ये पकौड़े हो जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमारे पकोड़े एकदम अच्छे बन गए हैं, ये देखिए। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और प्लेट में सजाकर आपको दिखाती हूँ। अब ये हमने चटनी रखी है, ये हमने चटनी रखी और चटनी के आजू बाजू हम ये पकोड़े रखेंगे। गरम गरम पकोड़े हैं और पकोड़े की आवाज भी अच्छी आ रही है। तो देखिए
हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं, पकोड़े और मिर्ची की चटनी और मेरे सादे सादे पकोड़े हैं जैसे हम लोग महाराष्ट्र लोग बनाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो मुझे आप जरूर जरूर कमेंट कीजिए और मेरा हमेशा का फंडा बनाइए, खाइए, खिलाइए और आपकी उल्टी गोल्डी को अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर भेजिए। देखिए आप भी घर में मुंगोड़े बनाते होंगे, हर एक की अलग अलग स्टाइल होती है। मैंने इसमें धनिया वनिया कुछ भी कूट के नहीं डाला, हम लोग में डालते ही नहीं है, सिर्फ हम लोग तिल्ली डालते हैं, लाल मिर्च, लहसुन, तो वो मैंने आपको बताया है। तो आप मेरे तरीके से भी बनाकर देखो, ये भी अच्छे कुरकुरे होते हैं। तो जरूर जरूर आप ये रेसिपी को बना के देखना और मुझे जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।